नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे टोटके जो आप होली के दिन करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मुनाफा और आपको अपनी परेशानियों से समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। तो दोस्तों, ये मामूली से टोटके आप होली के दिन जरूर आजमाएं, आपको इससे काफ़ी लाभ होने वाला है और जो भी बहुत पुरानी समस्याओं से घिरे हुए हैं उनकी समस्याओं का समाधान जरूर ही होगा। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकाल के ये टोटके आप होली के दिन जरूर करें। चलिए बिना देरी के मैं शुरू करती हूँ। नंबर एक, होली का त्यौहार इस साल 8 मार्च को मनाया जाएगा। होली का त्यौहार हर साल चैत माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। होली के दिन देवी देवताओं की उपासना की जाती है। नंबर दो, होली के दिन विशेष मंत्रों का जाप करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। इससे कई प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र में होली के रंगों से जुड़े कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में खूब तरक्की मिलती है। नंबर तीन, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन एक सूखा नारियल, काला तिल, लौंग और पीली सरसों को अपने सर से ऊपर फेर कर चीज़ों को अग्नि में डाल दें। ऐसा करने से हर तरह के शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। नंबर चार, अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी भी प्रकार से शारीरिक रोग से पीड़ित है तो उन्हें होलिका दहन में भस्म हुई लकड़ी की राख को लेकर तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। नंबर पाँच, ग्रह दोष से परेशान है तो इससे मुक्ति के लिए शिवलिंग की पूजा के समय होलिका दहन के भस्म को उन्हें अर्पित करें। इसके बाद इस भस्म को पानी में मिलाकर स्नान कर लें। होली के दिन इस उपाय को करने से ग्रह शांत हो जाते हैं। नंबर छः, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली पर्व के दिन व्यक्ति को घर के मुख्य द्वार पर हल्का गुलाल डाल देना चाहिए। इसके साथ ही घर के मुख्य द्वार पर 2 मुखी दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन ये उपाय करने से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं और आय में काफ़ी वृद्धि के मार्ग खुल जाते हैं। साथ होली के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल गुलाल, पुष्प, फल इत्यादि अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। इन उपायों से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। नंबर आठ, अगर आप काफ़ी समय से किसी तरह की आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस होलिका दहन के दिन नारियल के गोले में बुरा भरकर होली की अग्नि में डाल दें। होलिका दहन के दिन इस उपाय को करने से सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। नंबर नौ, होलिका दहन के बाद लकड़ी की राख को घर पर लाएं और उसमें राई और नमक मिला दें। अब इस राख को किसी साफ सुथरे बर्तन में डालकर घर के किसी पवित्र स्थान पर रख दें। इस उपाय को करने से घर से सारी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। नंबर दस, गुलाल के टोटके। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन होलिका दहन को पूर्णमासी में गुलाल खेला जाता है। होली के कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं। इन टोटकों से जीवन की समस्या का निदान किया जा सकता है। होली पर किए जाने वाले यह उपाय व्यर्थ नहीं जाते हैं। ऐसा ही एक उपाय गुलाल का है। इस टोटके से दंपत्ति जीवन में चल रही खटास खत्म हो जाती है, वहीं प्रेम की मिठास घोली जा सकती है। गाय को गुलाल लगाएं। गाय के पैरों पर गुलाल डालकर आशीर्वाद लें। उन्हें गुड़, रोटी और हरा चारा खिलाएं। वहीं होली के दिन पति पत्नी किसी काले कुत्ते को गुलाल लगाकर उसे रोटी खिलाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ता है। जल में गुलाल प्रवाहित करें। होली के दिन लाल कपड़े में थोड़ा गुलाल बांधकर होलिका दहन से एक दिन पहले काले कपड़े में गुलाल लेकर बेडरूम में बिस्तर के नीचे रख दें। अगले दिन काली पोटली को होलिका दहन की आग में डाल दें। वही होली के दिन पति पत्नी एक वस्त्र में गुलाल और कपूर का टुकड़ा डालकर उसे पीपल वृक्ष में बांध दें। इससे दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। तो दोस्तों, मेरे इन टोटकों को प्लीज़ ज़रूर आजमाएं और अपनी कुछ समस्याओं को दूर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।